अगर आपको पता चल जाए कि आप मरने वाले हैं या आज ही आपको मर जाना है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें पता है कि हमारा हिसाब भी लिया जाएगा। ये लाइफस्टाइल, ये फ्यूचर प्लान्स और ये हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, कभी सोचा है कि आगे जाकर हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस ज़िंदगी में हमारे पास पैसा कमाने, शोहरत हासिल करने, अपनी मर्ज़ी का हर तरह का काम करने की जस्तजू है, क्या मेरी उस ज़िंदगी की प्लानिंग में कहीं मौत भी शामिल रही है? क्या ये सोचा है कि मुझे मेरे रब के हुजूर पेश भी होना है? वही रब जिसने मुझे अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, जिसने मुझे खाने को, पहनने को दिया, हर तरह की बुनियादी ज़रूरत मुझे फराहम की, और मैंने तो ये भी ना जाना कि उसकी किताब में मेरे लिए लिखा क्या है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि इस्लाम मुझे किस अंदाज से जीना सिखाता है, इसके एटिकेट्स क्या होते हैं, इसके आदाब क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या होती है, इताअत किस शय का नाम है, नमाज जो मैं कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ, इसमें राज क्या छुपा है। बस अगर अब मैं मर जाऊँगा तो कब्र और फिर हशर में मैं क्या करूँगा? ज़रा सोचिए।